हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मम्मीज ब्लॉग में आपका बहुत स्वागत है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पान मिल्क शेक बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए मैंने कौन कौन सी चीज़ें यूज़ में ली है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये मैंने पान लिए हैं, चार पान हैं करीब। ये चार पान हैं, इसको धो के और अच्छी तरह से वॉश करके और इसको मैं अभी कटिंग करूँगी तो आपको दिखाऊँगी। और ये आधी प्याली पिसी हुई शक्कर है और आधी प्याली गुलकंद है मेरे पास। और ये काजू है, इसको मैंने भिगो रखा था, 15-20 मिनट के लिए भिगो दिया था ताकि अच्छी तरह से पिस जाएंगे मिक्सी के जार में। और ये सौंफ है जो पान में डालते हैं फ्रेंड्स, ये 2 चम्मच के करीब है। और ये 4-5-6 इलायची है, ये सबको मिलाएंगे तो क्रश हो जाएगी। और ये 1 गिलास दूध है और आधी गिलास दूध हम बाद में भी लेंगे। तो इन सबको मिला के अभी हम पान मिल्क शेक बनाते हैं। और इसमें मैं आइस डालूंगी फ्रेंड्स, ये आइस क्यूब्स है मेरे पास। तो अभी मैं पान मिल्क शेक आपको बना के दिखाती हूँ। ये पान को मैं पहले छोटे छोटे पीसेज में कट करूँगी और ये ऊपर की जो डंडियाँ होती है इस तरह से ये निकाल दूँगी। आप देखिए इस डंडियों को मैं इस तरह से निकाल दूँगी और मैं छोटे छोटे कट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पान को मैंने कटिंग कर ली है ऊपर की डंडियाँ अलग हटा के और अब मैं मिक्सी के जार में डालूँगी। मिक्सी के जार में डाल रही हूँ, इसी में मैं छोटा वाला जार है फ्रेंड्स, तो छोटे वाले जार में हम इसे पीसेंगे और इसके अंदर आप देख सकते हैं ये मैं इलायची डालूंगी। ये इलायची डाल दी और ये सौंफ डाल रही हूँ और ये काजू और ये गुलकंद, ये गुलकंद भी डालूंगी, इससे टेस्ट बहुत मस्त आएगा फ्रेंड्स। तो ये सब डाल के मैं अभी पीस के आपको दिखाती हूँ। और इसी के अंदर मैं पहले शक्कर थोड़ी डालूंगी फिर बाद में और डालूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने मिक्सी के ग्राइंडर जार में पीसा था लेकिन ये अच्छी तरह नहीं पीसी गई, तो इसके अंदर मैं ये थोड़ा सा दूध डालूंगी। आप देख सकते हैं थोड़ा दूध डालू रही, 2 चम्मच के करीब दूध डाल रही हूँ और इसे मैं फिर ग्राइंडर जार में चलाऊंगी। तो आप देखिए ये फिर मैंने ग्राइंडर जार में चलाया तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये दाने दाने और रह गए हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध और मिलाऊंगी फ्रेंड्स। आप देखिए ये मैं सेकेंड टाइम पीस रही हूँ तो बार बार इसे पीसना पड़ता है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी अपने को पता चले। और इसके अंदर ये मेरे पास फूड कलर है तो इसमें मैंने 2-4 बूंद डाला था और फिर पानी में डिजोल्व कर लिया। ये फूड कलर भी डालेंगे तो इसका कलर बहुत मस्त हो जाएगा। अभी मैं ग्राइंड करके बताती हूँ फ्रेंड्स। फिर मिक्सी के जार में मैंने पीस दिया इसे, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, ये देखिए ये फ्लोइंग कंसिस्टेंसी हो गई है क्योंकि दूध मैंने 2 बार डाल दिया था। अब इसके अंदर मैं ये थोड़ी शक्कर और डालूंगी, शक्कर थोड़ी कम डाली थी पहले, ये मैं 2 चम्मच के करीब और डाल रही हूँ। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे फ्रेंड्स और इसे मैं फिर ग्राइंडर जार में अभी पीसूंगी। और इसी जार में मैं ये 2-3 आइस क्यूब भी डाल दूंगी।
ये दो तीन आइस क्यूब डाल दिए। और इसे अब मैं ग्राइंड करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये जो ग्राइंडर जार में मैंने चर्न किया था, अब इसमें छान लूँगी, छलने में छान लेंगे। मैं थोड़ी सी बड़ी छलनी ले लेती हूँ ताकि आसानी रहे। तो ये बड़ी छलनी में मैंने शिफ्ट कर दिया है फ्रेंड्स। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा ये दूध डालूंगी ताकि ये ग्राइंडर जार को हम सारा मिक्सर ले लेते हैं और इसको अब छान लेती हूँ। बड़ी छलनी से आसानी से आ जाता है ये, और जो पान के और सौंफ के रेशे हैं वो मुंह में नहीं आएंगे और अच्छा सा छन जाएगा। और ये जो सारा मिक्सर है अभी मैं छान के बताती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, सारे रेशे ऊपर आ गए हैं, आपको दिखा रही हूँ मैं, और ये नीचे छना हुआ आ गया। अभी हम इसमें दूध मिक्स करके और बड़े वाले ग्राइंड जार में अभी हम शेक बनाएंगे। अब ये सारा मिक्सचर इस जार, बड़े वाले जार में डाल देंगे और ये दूध भी डाल देंगे। और मैं मिक्सी में चर्न करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, ये मैंने जार में मिक्सी में चला दिया है, तो कितना अच्छा लग रहा है मिल्क शेक। और इसके अंदर आप आइस क्यूब भी डाल सकते हो फ्रेंड्स, लेकिन मैंने ये दूध जो लिया था ये चिल्ड दूध था, एकदम चिल्ड था। थोड़ी देर मैंने फ्रीजर में रख दिया था, तो मुझे आइस क्यूब डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि थोड़ा सा पतला हो जाता है, टेक्स्चर अच्छा नहीं आता है। तो आप चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं आइस क्यूब। तो अभी मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस शेक को आप अगर जार में भर के फ्रिज में रखेंगे तो दो चार दिन तक बहुत फ्रेश रहेगा। ये मैं जार बता रही हूँ आपको, कोई भी कांच का जार ले लीजिए, मेरे पास ये वाला जार है, तो मैं इसमें भर के रख देती हूँ। वैसे तो आप कोई भी जार ले लीजिए। और मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अभी गर्मियों में ये चिल्ड पान शेक बहुत मस्त लगता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देखिए, इसे मैंने टूटी फ्रूटी से गार्निशिंग कर दी है थोड़ी थोड़ी, आप देख सकते हैं ये रेड कलर की टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप बताएंगे मुझे। और कोई गेस्ट भी आए तो आप इसे चिल्ड सर्व कीजिए फ्रेंड्स, फ्रिज में रख दीजिए। आप कोई भी गेस्ट आने से पहले, आधा घंटा के पहले आप बना लीजिए और फिर उसे फ्रिज में रख दीजिए, और जैसे ही वो आए तो आप उसी टाइम चिल्ड सर्व कीजिए और थोड़ा सा गार्निशिंग कर दीजिए, बहुत मस्त लगेगी फ्रेंड्स। ये तो बच्चों और बड़ों सबको ही पसंद आती है। गर्मियों में चिल्ड पान रिफ्रेशिंग मिल्क शेक बहुत मस्त लगेगा फ्रेंड्स। आप एक बार ट्राई तो कीजिए, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।